कि इस प्रकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। नहीं तो बचपन से जिस माँ के गर्भ में हम 9 महीना रहे, माता का अर्थ ही होता है माँ और ता, दो शब्दों से बना हुआ है। माँ का मतलब संस्कृत में होता है जहां पर नहीं हो, और ता मतलब ताप, जिसके शरण में रहने पर किसी प्रकार का दुख न हो वो कहलाती है माता। तो स्त्रियां जो हैं हमारी जननी हैं, माँ हैं। शास्त्र कहता है कि नारी जत्र पूज्यन्ते रमन्ते सर्वदेवता, जहां पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर सब देवता लोग ऑटोमेटिकली निवास करते हैं, और जहां सब देवता निवास करते हैं वहां पर सब संपन्नता बनी रहती है। तो आज समय आ गया है कि पुनः हम पीछे देखें। सुबह का भूला यदि शाम को आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता है। तो हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, माताओं का सम्मान करेंगे, तो हम लोग सब प्रकार से संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। एक समय था कि गांव के एक स्त्री कहीं किसी से मिल जाए अपने गांव के भाई से, सो भैया कहते कहते अपना जीवन बिता देती थी और बड़ा ही सुख शांति से रहती थी, तो कोई डर नहीं था। लेकिन आज समाज परिवर्तित हो चुका है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग को जड़ में जाना चाहिए, और वह जड़ है हम अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सो लेट अस रिवाइव इट एंड बी हैप्पी। मैं इतना ही कहूंगा, और बबलू जी और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य को करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये जरूरी है कि माताओं का, महिलाओं का सम्मान किया जाए, तब पुरुषों का पुरुषत्व दिखाई पड़ेगा, तब सब लोग सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी के प्रणाम बा। हमनी के आशीर्वाद मिलल, यहाँ के लगातार आशीर्वाद मिलत रही, हमनी के उम्मीद भी करतन जा। तो शिवाजी के धरती पर पहला हाली उनको बेस्ट पार्लियामेंटरी अवार्ड भी मिला था। एक किसान के परिवार से निकल के, गरीबी से निकल के उन्होंने प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हासिल किया, अपना आदर्श कायम रखा। उनके जो बचे बचे काम है वो हम लोग सब पूर्वांचल लोग करेंगे, चाहे इस पार्टी के सांसद हो। दोस्तों, बड़े हसीन फूलों से हम लोग का स्वागत किया गया। इन फूलों के लिए शहर रखी जी कि रखना है तो रख लीजिए, फूलों को निगाहों में खुशबू तो मुसाफिर है राजा ये राहों में। दोस्तों, ये सावन का महीना है, और जहां राखी सावंत आ जाए वहां तो सावन हो ही जाता है। हमेशा चर्चे में बनी रहने वाली हीरोइन है, मैंने इनसे विनती किया कि 2-4 फिल्म हमारे लोग वाली बनाई जाए, और हमारे घनश्याम दुबे जी बैठे हैं नीचे, पूर्व विधायक, मैं उनसे निवेदन करता हूं, वो इतनी बॉडी कम कर लिए हैं और ऐसा ड्रेस पहन के आए मैं पहचाना ही नहीं, हमको कोई लड़का बैठा होगा। तो जरा आप स्टेज पे आ जाइए महाराज, आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हमारी कुर्सी खाली, आप बैठ जाइए, आइए, मैं निकल रहा हूं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि चंद्रशेखर जी के जो सपने थे उनको पूरा किया जाए। बबलू को मैं धन्यवाद देता हूं, नीलम जी को धन्यवाद देता हूं, इस कार्यक्रम को लोग आगे बढ़ा